वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल झड़बीसी बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। ओके, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्पेशली डाइकॉट प्लांट में कैसे होते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ऐसा कहना था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो था तो वो आपको स्टडी करना था, इसी के कारण आज का जो वीडियो है तो हम बना रहे हैं इसी के ऊपर, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमेशा रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द नेम ऑफ टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आज का टॉपिक कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्लांट्स में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है वो स्टडी करेंगे। ओके, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम देखने वाले हैं, लेकिन कौन से प्लांट में? इन डायकॉट प्लांट्स। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट प्लांट्स। ओके, तो सपोज जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, तो डबल फर्टिलाइजेशन के एक्चुअली प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? दो। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जायगोट। ओके, और सेकंड प्रोडक्ट कौन सा होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसे हम नाम दे देते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जायगोट। जायगोट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डिप्लॉइड। ओके, और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? थ्राइसन। दैट मींस PEN इट इज ट्रिप्लॉइड एंड जायगोट इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, आज हम पार्ट कौन सा देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा और उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी। ठीक है, तो ये जो जायगोट नाम का पार्ट है, इस जायगोट नाम के पार्ट से फॉर्म होगा कौन? एम्ब्रियो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? जायगोट जो होता है वो दो सेल में डिवाइड होता है। जायगोट इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। ओके, ऊपर वाली जो सेल होती है वो थोड़ी लार्ज होती है और नीचे वाली जो सेल है थोड़ी छोटी होती है। तो ये जो सेल है इसे कहा जाता है बेसल सेल। कौन सी सेल है ये? बेसल सेल। और ये जो है इसे कहा जाता है टर्मिनल सेल। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बेसल सेल कौन से एंड के करीब होती है? तो बेसल सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड के करीब। ठीक है, और ये जो टर्मिनल सेल है ये कौन से पार्ट के करीब होती है? ये करीब होती है चलाजल पार्ट के करीब। ठीक है, दैट मींस बेसल सेल इज प्रेजेंट नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड एंड टर्मिनल सेल इज प्रेजेंट नियर टू द चलाजल एंड। ओके, अब क्या होता है, बेसल सेल जो है तो माइटोसिस में जाएगी और नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करेगी। कैसे? देखो, तो सपोज यहां पे देखो, ये रही बेसल सेल। एक बेसल सेल से फॉर्म होती है दो सेल, दो सेल से फॉर्म होगी चार सेल, चार सेल से फॉर्म होगी आठ सेल्स। दैट मींस नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस। यहां पे क्या हो रहा है? सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस पूरे पार्ट को कहा जाता है सस्पेंसर। इस पार्ट को क्या कहना है आपको? सस्पेंसर। ओके, सस्पेंसर की ऊपर वाली जो सेल होती है उसे कहा जाता है हाउस्टोरियल सेल। ऊपर वाली सेल कौन सी होती है? हाउस्टोरियल सेल। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे नीचे क्या होगा? तो यहां पे नीचे एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ओके, एम्ब्रियो के भीतर सिर्फ दो सेल प्रेजेंट होगी। ओके, एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जिसमें टू सेल्स प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टू सेल स्टेज। ओके, और इस एम्ब्रियो को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। कौन सा? क्या यहां पे देखो, सस्पेंसर की जो ऊपर वाली सेल होती है इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। दैट मीन्स द टर्मिनल सेल ऑफ द सस्पेंसर इज लार्जर इन साइज एंड द सेल इज कॉल्ड एज हाउस्टोरियल सेल। ओके, होल पार्ट इज नोन एज सस्पेंसर। ओके, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का। ठीक है,
अब क्या होगा, यहां पे आपको समझना है कि सस्पेंसर कौन से सेल से फॉर्म हुआ। यहां पे तो यहां पे आपको समझना है सस्पेंसर जो है तो वो कौन से सेल से फॉर्म हुआ, सस्पेंसर फॉर्म हुआ बेसल सेल से। ओके, और ये जो पार्ट है एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो कौन से सेल से फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ टर्मिनल सेल से। ओके, अब सस्पेंसर क्या करेगा, सस्पेंसर एम्ब्रियो को नीचे ढकलेगा किस तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से नरिशमेंट मिल सके। ओके, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो यहां पे। तो सपोज ये रही हाउस टोरियल सेल जिसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ओके, उसके बाद में रो ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, बहुत सारी सेल्स की रो यहां पे हम दिखा देते हैं, दीज आर द रो ऑफ सेल्स। ओके, अब क्या होगा, यहां पे नीचे कौन होगा, नीचे होगा प्रो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जिसके भीतर कितनी सेल थी, दो सेल थी। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हमने नाम दे दिया था सस्पेंसर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। ओके, सेल इज नोन एज हाउस टोरियल सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस टोरियम। ओके, अब यहां पे क्या होगा कि ये जो सस्पेंसर है इसका काम होता क्या है, अगर आपको पूछा जाए सस्पेंसर का काम क्या होता है, तो देखो यहां पे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। सपोज यहां पे ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कौन सा ओव्यूल है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओके, अब क्या होगा, सपोज ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और इसके भीतर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो साथ साथ डेवलप हो रहे हैं यहां पे, तो क्या होगा, सपोज यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हाउस टोरियम का, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, हाउस टोरियम का ये स्ट्रक्चर है और ये पूरा पार्ट कौन सा है, सस्पेंसर, कौन सा पार्ट है, सस्पेंसर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा है, एम्ब्रियो का पार्ट है। ओके, तो होगा क्या, मैंने क्या बोला था पहले, सस्पेंसर जो पार्ट होता है वो कौन से एंड के करीब होता है, माइक्रोपाइलर एंड के करीब होता है। ओके, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये कौन सा है, चलाजल एंड, तो एम्ब्रियो कौन से साइड को होता है, चलाजल एंड के करीब होता है। ठीक है, तो सस्पेंसर क्या करेगा, एम्ब्रियो को नीचे ढकलेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना एम्ब्रियो को आगे पुश करेगा, कौन, सस्पेंसर। तो यहां पे आपको ध्यान में देना है, सस्पेंसर पार्ट इज हेल्पफुल फॉर टू पुश द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या करना, एम्ब्रियो को अंदर पुश करना, किस लिए, फॉर बेटर नरिशमेंट। सपोज यहां पे एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, तो एंडोस्पर्म डेवलप होते वक्त सस्पेंसर ने एम्ब्रियो को ज्यादा अंदर पुश किया तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बेटर होगी, तो एम्ब्रियो बेटर डेवलपमेंट होने के लिए यहां पे सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो को अंदर पुश करता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, सस्पेंसर पार्ट इज हेल्पफुल फॉर टू पुश द एम्ब्रियो डीपर इनसाइड द एंडोस्पर्म टू गेट बेटर नरिशमेंट, अच्छी नरिशमेंट लेने के लिए एम्ब्रियो को अंदर पुश करने का काम सस्पेंसर का। ओके, सपोज यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऊपर का पार्ट जो है वो हाउस टोरियल सेल, उसके बाद यहां पे दिखाएंगे हम रो ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स की क्या है यहां पे, रोज। ओके, तो ये पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट होगा सस्पेंसर, ठीक है ना, कौन सा पार्ट है ये, सस्पेंसर। ओके, अब यहां पे नीचे क्या था, नीचे था एम्ब्रियो, कौन था यहां पे, एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो के भीतर कितनी सेल थी, एम्ब्रियो के भीतर थी दो सेल। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे दो सेल से फॉर्म होगी चार सेल। आपको पूछा जाए फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन कौन से डायरेक्शन में होता है, तो फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और उसके बाद होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइडेशन होगा और उसके बाद यहां पे चार सेल्स फॉर्म हो जाएगी एम्ब्रियो के भीतर, कुछ इस तरह से, एक दो तीन और चार, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब मुझे ये बताओ यहां पे सेल कितनी है, फोर, तो इस स्टेज को कहा जाता है फोर सेल स्टेज, आप इसे क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाड्रेंट, कौन सा पार्ट है ये, क्वाड्रेंट पार्ट है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, बिकॉज इट कंटेन फोर सेल्स। ओके, अब क्या होता है आगे चल के,
यहां पे जो सस्पेंसर होता है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके। उसमें क्या थी, नंबर ऑफ सेल्स कुछ इस तरह से, ओके ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, हाउस टोरियम और हाउस टोरियल सेल, ठीक है। उसके बाद ये था सस्पेंसर। अब क्या होगा, ये जो नीचे वाली सेल होती है उसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस। कौन सा पार्ट होता है ये, हाइपोफाइसिस। अब इंद्रियों के भीतर कितनी सेल थी, चार। अब क्या होगा, फोर सेल फॉर्म करेगी एट सेल्स, फोर सेल फॉर्म्स एट सेल। तो यहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सेल कितनी होंगी, एट, टोटल सेल्स आर एट एंड दीज आर द सेल्स। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो स्टेज को कहा जाता है एट सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, एट सेल स्टेज। और एट सेल स्टेज को कहा जाता है ऑक्टन, ऑक्टन नाम का पार्ट है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद और कुछ देर बाद यहां पे एम्ब्रियो जो है तो खुद का जो शेप है वो चेंज कर लेगा, कुछ इस तरह से। देखो यहां पे सपोज ये सस्पेंसर है और ये नीचे वाला एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो का शेप कुछ इस तरह का हो जाता है, उसे कहते हैं शेप स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है ये हार्ड शेप हो जाता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर हार्ड शेप स्ट्रक्चर हो जाए तो इसे कहा जाता है द शेप ऑफ एम्ब्रियो इज जनरली और इट बिकम्स हार्ड शेप। स्ट्रक्चर कैसे होगा यहां पे, हार्ड शेप। ये कौन सा पार्ट था, सस्पेंसर, ठीक है। अब क्या होगा, हार्ड शेप स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में। तो यहां पे देखो, सपोज ये रहा हाउस टोरियम, उसके बाद ये है सस्पेंसर का पार्ट, ओके कुछ इस तरह से। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम तो हमें मालूम है, क्या है इस पार्ट का नाम, सस्पेंसर, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या कर रहा है यहां पे, टाइम टू टाइम अपना जो शेप है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। जब ये जो सेल थी नीचे वाली, इस सेल का नाम होता है हाइपोफाइसिस। अब हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, तो हाइपोफाइसिस के नीचे जो चार सेल होती है, मतलब जब ऑक्टन स्टेज प्रेजेंट होती है, आठ सेल होती है एम्ब्रियो के भीतर, तो ऊपर वाली जो चार सेल होती है उनसे फॉर्म होता है रेडिकल, और नीचे वाली जो चार सेल होती है उनसे फॉर्म होता है प्लूमुल एंड कॉटिलेडॉन। तो यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। तो सपोज ये लास्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें पूरे के पूरे पार्ट शो होंगे यहां पे। तो सपोज ये है सस्पेंसर, ओके। उसके बाद यहां पे ये होगा एम्ब्रियो का पार्ट। अब एम्ब्रियो कौन सा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कौन सी देख रही है हम, कौन से प्लांट में देख रहे हैं, डायकॉट प्लांट में। तो एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे, कॉटिलेडॉन कितने होंगे, दो। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, ठीक है। अब यहां पे पार्ट देखो कौन कौन से, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है हाउस टोरियम, करेक्ट। ये जो पार्ट था ये कौन सा था, सस्पेंसर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर, ओके। अब यहां पे देखो ये पूरा पार्ट किसका है, एम्ब्रियो का, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो, ओके। बट एम्ब्रियो के भीतर यहां पे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, तो यहां पे ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है रेडिकल। कौन सा पार्ट है ये, रेडिकल पार्ट है, ओके। रेडिकल से क्या फॉर्म होता है, रेडिकल से फॉर्म होती है रूट सिस्टम। रेडिकल पार्ट इज हेल्पफुल फॉर टू प्रोड्यूस रूट सिस्टम, ओके। अब यहां पे देखो ये जो पार्ट था नीचे वाला, तो यहां पे क्या है, तो इस पार्ट को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज टू कॉटिलेडॉन्स। ये क्या है,
दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, मतलब आपको ये समझ में आया होगा अभी, डायकॉट प्लांट में कॉटिलेडॉन्स कितने होते हैं? दो। ओके, और यहां पे देखो ये जो थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट होता है दो कॉटिलेडॉन के बीच में, तो इस छोटे पार्ट को और इस पार्ट को कहा जाता है प्लूम्यूल, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। ओके, और प्लूम्यूल से आगे चल के क्या बनता है? प्लूम्यूल फॉर्म करेगा शूट सिस्टम, प्लूम्यूल फॉर्म्स शूट सिस्टम। ओके, तो यहां पे देखो ये हो गया पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म, ऊपर वाला पार्ट हाउस्टोरियम, ये पूरा का पूरा जो रो है सेल की, ये इस पूरे रो को क्या कहा जाता है? सस्पेंसर। सस्पेंसर की नीचे वाली जो सेल होती है उसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के नीचे कौन होता है? रेडिकल। रेडिकल से क्या फॉर्म होता है? रूट फॉर्म होता है और रूट सिस्टम फॉर्म होती है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, उससे फॉर्म होते हैं दो कॉटिलेडॉन और एक प्लूम्यूल फॉर्म होता है। तो प्लूम्यूल से फॉर्म होती है शूट सिस्टम। ओके, तो जब एम्ब्रियो के भीतर आपको रेडिकल, प्लूम्यूल और टू कॉटिलेडॉन्स दिखाई दे, तब समझ लेना कि एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। दैट मींस द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, एक बार फिर से समझ लेते हैं समरी को। हमारे टॉपिक का नाम था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन स्पेशली कौन से प्लांट में? डायकॉट प्लांट में। ओके, डायकॉट मतलब ऐसे प्लांट जिनमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो कॉटिलेडॉन आपको शो होंगे। ओके, तो समरी आपको बतानी कैसी है? तो सपोज देखो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन के दो प्रोडक्ट होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सेकंड होता है जायगोट। ओके, तो जायगोट से क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जायगोट सिंगल था और डिप्लॉयड था। जायगोट माइटोसिस में जाके दो सेल फॉर्म करेगा, एक जो बड़ी सेल होती है और लार्जर सेल होती है उसे कहा जाता है बेसल सेल, और छोटी सेल जो होती है उसे कहा जाता है टर्मिनल सेल। ओके, अब यहां पे क्या हो सकता है? बेसल सेल को आप नाम दे सकते हैं, इसपे सस्टर बनता है, इसी के कारण आप बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी बुला सकते हैं। ओके, और टर्मिनल सेल से आगे चल के क्या बनता है? एम्ब्रियो, तो आप इसे एम्ब्रियोनल सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब समरी कैसे बताएंगे? जायगोट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, लार्जर सेल इज कॉल्ड एज बेसल सेल, इट इज प्रेजेंट नियर टू द माइक्रोपलर एंड एंड सेकंड सेल इज कॉल्ड एज स्मॉलर सेल एंड स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल एंड इट इज प्रेजेंट नियर टू द चलाजल एंड। ओके, बेसल सेल फॉर्म्स सस्पेंसर, हेंस इट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल एंड टर्मिनल सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो, हेंस इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल सेल। ओके, नाउ बेसल सेल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन एंड फॉर्म्स नंबर ऑफ सेल्स। These cells are arranged in a particular row. That means it is called as row of cells. And this structure is known as suspensor. Suspensor is called as haustorial cell. And posterior cell is called as hypophysis. Okay. Below hypophysis, embryo is present. Embryo contain only two cells. Hence it is called as two cell stage. Okay. Later on, next suspensor part is helpful for to push the embryo deeper into the endosperm for getting better nourishment. Okay, then next to undergo transverse division and forms two cells, and later on it undergo vertical division and forms four cells. Okay, when two cells are present, then that time it is called as two cell stage, and now it contains four cells, hence it is called as four cell stage, also called as quadrant. After that embryo forms eight cells and this structure is called as octant. Okay, sometimes it looks like heart shape, sometimes it looks like horseshoe shape structure. Okay, and lastly the anterior suspensor haustorium, it is called as row of cell, that means suspensor. The posterior part of the suspensor is called as hypophysis, and below hypophysis embryo is present. In this structure embryo contain radical. Okay, radical part is helpful for to produce root system. Okay, and in this embryo two cotyledons are present. That means this is the structure of dicot embryo. Okay, because two cotyledons are present. Okay, in between two cotyledons small tissue or group of cells are present which forms plumule, and plumule part is helpful for to form shoot system. Okay, so this is the complete structure of embryo. Okay, so
आज का पोर्शन है आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कंपलसरी लाइक करना है, ठीक है। और अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं हमेशा वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके और हाँ, वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।